नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इसी तरीके से 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में भी दो प्रश्न पूछे थे और आप में से काफ़ी लोगों ने उनके आंसर दिए थे, तो क्या थे उन दोनों प्रश्नों के सही जवाब इस वीडियो के लास्ट में आप वो भी जान सकते हैं। वीडियो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा करंट अफेयर्स डेली देखने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं कि किस स्थान पर उत्तर भारत के पहले स्पेस साइंस सेंटर बनाने हेतु उस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं इसरो के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जम्मू की जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके और इसरो के मध्य में यहाँ पर स्पेस साइंस सेंटर बनाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये जो ये पहला अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान होगा, ये उत्तर भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। इस समझौते ज्ञापन पर इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान और जम्मू यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं अशोक आयमा, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस केंद्र के द्वारा रिमोट सेंसिंग से वन क्षेत्र, बर्फबारी, भूस्खलन, भूजल आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं जो याद रखिएगा। फिलहाल में ये देख लीजिए कि सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, ये आपको पता होगा कि इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसको श्रीहरिकोटा रेंज और श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में जब इसरो के जो पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक हैं सतीश धवन, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है इसका नाम बदल के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया था, ठीक है। उन्हें पहले जो है इसको इसी नाम से जाना जाता था, श्रीहरिकोटा रेंज और श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा कि ये जो केंद्र है, पहला केंद्र ये जम्मू में जो है स्थापित हो रहा है, उत्तर भारत का पहला स्पेस साइंस सेंटर, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली ऐसे ही एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। सेकंड है कि हाल ही में किस देश में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा कि मलेशिया की सरकार ने अभी हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा जो है समाप्त कर दी है। और अगर आप बात करें कि यहाँ पर जो है बेसिकली इसको समाप्त क्यों किया गया है, तो याद रखिएगा कि मलेशिया में जो मानवाधिकार समूह हैं, मानवाधिकार संगठन हैं, इनके द्वारा और साथ ही साथ आम नागरिकों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जो ये मृत्युदंड है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में मलेशिया में हत्या, अपहरण समेत कई गंभीर अपराधों के लिए जो है फांसी की सज़ा दी जाती है, जिसको कि अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। राजधानी कोलालमपुरम है, मुद्रा है मलेशियाई रेंगगित, तो इसका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। भारत की अगर बात करें तो भारत में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फांसी की सज़ा जो है यहाँ पर दी जाती है मृत्युदंड के तौर पर। इसी तरीके से अगर बात करें चाइना वगैरह की, तो चाइना में इंजेक्शन भी दिया जाता है, जहर का इंजेक्शन, ठीक है। इस तरीके जापान में भी ये चीज़ है और भी कई चीज़ें हैं। अरब देशों में तो जो है कई बार ऐसा होता है कि तब तक मारते रहो जब तक ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो पत्थरों से मारते रहो जब तक मर ना जाए। इससे मतलब कई चीज़ें हैं, अलग अलग देशों में मृत्युदंड देने के अलग अलग तरीके हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद देख लीजिए फोर्थ वाला कि 10 अक्टूबर 2018 को देश का पहला भारत इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत इसराइल इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, और ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इनोवेशन सेंटर भारत में इसराइली कंपनियों को प्रवेश देने हेतु जो है यहाँ पर मौका उपलब्ध कराएगा। अगर हम बात करें इस सेंटर की, जो कि है भारत इजराइल इनोवेशन सेंटर, इसकी अगर बात करें तो ये भारत और इजरायली कंपनियों के बीच व्यापार हेतु विश्वास को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट, इसका काम क्या होगा। राजधानी अगर हम बात करें आपके इजराइल की, तो यरूशलेम है, मुद्रा है यहाँ की इजरायली नई सेकेल, ठीक है। तो इजरायली नई सेकेल जो है यहाँ की मुद्रा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा मुद्रा, याद रखिएगा राजधानी, याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि पैरा एशियाई खेलों में दीपा मलिक ने चक्का फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले दीपा मलिक ने इन्हीं खेलों में जो है भाला फेंक प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक प्राप्त किया था, ओके।
इसके बाद देख लीजिए छठा वाला कि 12 अक्टूबर 2018 को किस आयोग ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण किए, या फिर कह सकते हैं कि रजत जयंती पूरी की, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनकी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी 12 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य है जो है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो देश में मानव अधिकारों की रक्षा करना, सभी के पास जो है किसी भी मानव का जो है शोषण ना हो रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके से, तो हर तरीके का इसमें देखा जाता है। तो मानव अधिकार जो आयोग है वो हर चीज़ पे नज़र रखता है, किसी के साथ भेदभाव ना हो रहा हो, हर तरीके से इसमें मानव के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन ना हो पाए, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है इसको बनाने का वो यही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है ये याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए सातवां कि हाल ही में किस देश में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये तजाकिस्तान में किया गया है, शंघाई सहयोग संगठन की जो 17वीं बैठक है इसका आयोजन तजाकिस्तान में किया गया है। 11 से 12 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ है और इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो इसके सदस्य जो हैं वर्तमान में स्थायी सदस्य वो हैं चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा इसके सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, तो याद रखिएगा इनके, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का, इसका जो उद्देश्य है वो है सदस्य देशों में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे से सूचना को साझा करना, ठीक है। तो ये चीज़ अब इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है। मुख्यालय इसका बीजिंग में है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी और सॉरी ये जो आपका जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी बैठक कब हुई थी ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है, 11 एवं 12 अक्टूबर को, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद आठवा है कि 11 अक्टूबर 2018 से भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वित गश्त का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस गश्त का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। और यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, इंडोनेशिया के बलवन में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय नौसेना जो है और इंडोनेशिया की नौसेना है इसके बीच संबंध को मजबूत बनाना। तो मेन उद्देश्य इसका जो है वो आपके सामने लिखा है, दोनों देशों की नौसेनाएं जो हैं वो आपसी सहयोग के लिए 2002 से वर्ष में 2 बार इस तरीके की गश्त करती हैं, ठीक है। तो ये समुद्री गश्त है जो कि दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर साथ में इसका आयोजन करती हैं। राजधानी है इसमें जकार्ता, किसकी, इंडोनेशिया की, और मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया। तो इस चीज़ पे आपको यहाँ से पता होना चाहिए। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, जोको विडोडो जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए नाइन्थ वाला हमारा कि केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा विश्व अंडा दिवस मनाया गया है 12 अक्टूबर को केंद्रीय पशुपालन और डेयरी आयोग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। और ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंडा आयोग है ये प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को जो है विश्व अंडा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, अभी एक एग्जाम में पूछा गया था राष्ट्रीय अंडा दिवस कब मनाया जाता है, कुछ डेट दिए थे और एक ऑप्शन उसमें ये भी था, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसकी जो डेट है वो फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के जो दूसरा जो शुक्रवार होगा उसमें डेट कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसी दिन जो है विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि एवं मुर्गी पालन के महत्व को समझाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसान जो है मुर्गी पालन करते हैं या फिर कोई और भी मुर्गी पालन करता है तो उसका कोई ना कोई जो है इसका फ़ायदा उसको मिलता है, एक्स्ट्रा जो इनकम है उसको यहाँ से मिल जाती है। और ये जो मुर्गी पालन है भारत में ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो लोग करते हैं उनके पास जो है कह सकते हैं कि वो जो है काफ़ी सफल हैं इस साई में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं याद रखिएगा, 4 पॉइंट। दसवां है कि हाल ही में सुर्खियों में आए हैशटैग मीटू अभियान का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मीटू अभियान का संबंध यौन उत्पीड़न से है, ठीक है। तो यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से मीटू का संबंध है। इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में
हॉलीवुड अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इसकी शुरुआत हुई थी वो ट्विटर के माध्यम से हुई थी, और जिसमें जो है हैशटैग मीटू के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो अपने साथ, अगर उनके साथ कभी भी कोई अभद्र चीज़ हुई है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकती हैं। भारत में इस अभियान के प्रचलन में आने पर इसके तहत आने वाली शिकायतों की जाँच है उसके लिए जो है एक समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा जो है विचार किया जा रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। तो मेनका गांधी हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो इन्हीं के द्वारा जो है ये बात कही गई है कि हम एक समिति के गठन करने पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बॉलीवुड वगैरह में जो है अभी हाल ही में तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का जो मामला सामने आया, और इसी तरीके से और भी न जाने हम कितने ही लोग जो है ऐसे हैं जो अभी इतने फेमस नाम हैं जिनको हम बड़ी इज्जत से देखते हैं, उनका नाम भी इस तरीके की यौन उत्पीड़न में शामिल हुआ है, उनका नाम इसमें आया है। तो उसी की जांच के लिए जो है एक समिति का गठन करने का विचार कर रही है सरकार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है और जो इस तरीके के टॉपिक होते हैं वही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए 11वां की विश्व आर्थिक फोरम द्वारा भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ में ये भी याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF जो द्वारा जो है जो महाराष्ट्र में केंद्र स्थापित किया गया है, इसकी जो शुरुआत की थी, इसका जो लॉन्च किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इस केंद्र में सरकार एवं बड़े औद्योगिक संस्था नई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो इसी आपको याद रखिएगा। और इसकी जो केंद्र है बेसिकली जो भारत में कहाँ पर केंद्र बनाया गया है, तो महाराष्ट्र में बनाया गया है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए अब देख लीजिए, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मशाली 2 अक्टूबर को किस देश के ने बनाए गए हैं, काफ़ी लोगों ने आंसर दिए थे। तो याद रखिएगा ब्रह्मशाली को जो है इराक का राष्ट्रपति बनाया गया है 2 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 8वें राष्ट्रपति होंगे ये इराक के, तो इस चीज़ याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 3 अक्टूबर 2018 को द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में भारत को जो है 28वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2011 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 36 थी, यानी कि 36वीं रैंकिंग थी 2011 में, अब जो है हो गई है 28वीं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है पहले स्थान पे जो है वो है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे इसमें फ्रांस है, और तीसरे स्थान पे इसमें डेनमार्क है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद रखिएगा। आपके लिए आज के 2 प्रश्न हैं काफ़ी सिंपल से, कि पहला तो है कि अक्टूबर 2018 को सरकार द्वारा IDBI बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो हमें बताना है कि IDBI बैंक का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है अक्टूबर में, ये याद रखिएगा और बताइए आंसर की क्या है इसका सही। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2018 को अपनी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई, ठीक है, तो 9 अक्टूबर की करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है हमारा, तो आपको बताना है कि 8 अक्टूबर को कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आज मैं नोबेल पुरस्कार के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा और वहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, उससे बाहर से नोबेल पुरस्कार का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।